सो वी हैव दिस प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग नॉट सब सिक्वेंस सब स्ट्रिंग एंड इसे मैं करूँगा बिल्कुल क्विक वे में एक्सप्लेन क्योंकि इसकी बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लेशन ऑलरेडी बनी हुई है तीस तीस चालीस चालीस मिनट की बट आई विल भी एक्सप्लेनिंग दी क्विकेस्ट एंड ऑप्टीमाइज अप्रोच सो य क्वेश्चन है क्वेश्चन पता ही होगा सारी चीज़ें फर्स्ट और सेकेंड अप्रोच में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ बस मैं इतना बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट है क्वेश्चन बहुत सिंपल है लॉन्गेस्ट है नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए और सब स्ट्रिंग होनी चाहिए सब सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसे बीच में तोड़ नहीं सकते कॉन्टिन्यूस सबस्ट्रिंग जैसे ए बी सी डी है तो यू कैन नॉट गो लाइक ए बी और ई e, एफ ऐसे नहीं जा सकते कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए तो कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दैट विल बी हैश टेबल स्लाइडिंग विंडो हैश मैप हैश टेबल कुछ भी बोलो स्लाइडिंग विंडो और तीन अप्रोचेज हैं फर्स्ट तो बहुत ही बेसिक है ओ ऑफ एन क्यूब में होती है शायद है क्योंकि एक ऐसे नॉर्मल यहाँ खड़े रहते हो लूप चलता है फिर सेकेंड लूप चेक करता है मतलब सेकेंड लूप सबस्ट्रिंग बनाता था, है थर्ड लूप चेक करता है कि कहीं इसमें कुछ है तो नहीं है ना उसके बाद से, जो सेकंड थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड है वो स्लाइडिंग विंडो है बट उसको मैं बताऊँगा अभी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि थर्ड मतलब थर्ड वाले अप्रोच क्यों ज़्यादा ऑप्टीमाइज है और हाँ मैं थर्ड एक्सप्लेन करूँगा अभी तो अभी आ जाते हैं एक बार केसेस देख लेते हैं जैसे ए बी सी डी ये दिया हुआ है तो इसमें अगर हम देखें तो हमें देखने से लग रहा है कि ये वाली सबसे बड़ी स्ट्रिंग है क्योंकि आगे तो ए रिपीट हो रहा है बट एक चीज़ देखिए अगर हम इस वाले ए को हटा दें तो उसके बाद ये सबसे बड़ी स्ट्रिंग बन जाती है तो मतलब जितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अब केस टू में आते हैं जैसे ए बी सी सी डी तो इसमें सबसे बड़ी स्ट्रिंग हम पूरी नहीं ले सकते क्योंकि सी रिपीट हो रहा है ना तो अभी इसमें सबसे बड़ी स्ट्रिंग यही है थ्री है अब एक बार अप्रोच टू देख लो इस वाले के लिए या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हो एक बार सेकेंड अप्रोच देख लो कि सेकेंड अप्रोच में सीन क्या बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगा हाँ तो सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर होते हैं वही स्लाइडिंग विंडो जैसे लेफ्ट और राइट पॉइंटर होता है दोनों यहाँ पे होते हैं अब उसके बाद हम आगे चलना शुरू करते हैं और जहाँ पे भी हमें आ, मतलब अपना वही काउंट रखते रहते हैं भाई वही जो बेसिक बहुत तरीका होता है चलते रहे चलते रहे चलते रहे जहाँ पे भी हमें ये वाला अनकाउंट ये वाला एलिमेंट मिला कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट मिला तो उस एलिमेंट पे तो अपने राइट को रोक दिया तो मेरा राइट यहाँ पे अभी मेरा राइट यहाँ पे लेफ्ट मेरा यहाँ पे अब एक काम करना शुरू करा लेफ्ट से एलिमेंट ना चॉप करने शुरू करे चॉप मतलब बिल्कुल हटाना शुरू करा हटाना शुरू करा जब तक इस वाले विंडो में ऐसी एक स्थिति ना बन जाए एक ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि अब कोई रिपीटिंग नहीं है तो अभी ये बहुत थोड़ा वैसा लगा होगा जैसे मैंने इसको हटाया तो अब ये है मेरी छोटी सी स्लाइडिंग विंडो है एक ये ठीक है अब इसमें कोई एलिमेंट रिपीटिंग नहीं है तो मैं खुश हूँ अब मैं राइट बढ़ाता रहूँगा और लेफ्ट को मैं अपना यहाँ पर ले आऊँगा ठीक है अभी और आगे समझ आएगा अब जैसे मैं फिर से ए पे आया तो अब मैं ए पे जब मैंने ए को इंक्लूड करा और मेरा राइट ए पे है तो अब मेरे को क्या करना है? मैंने क्या बताया था कि जैसे ही कोई रिपीटिंग एलिमेंट मिले अब इस पूरी विंडो में क्योंकि ये कैसे पता चलेगा हैश मैप बना के चली रहे होंगे तो ए की फ्रिक्वेंसी टू हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी वन रहेगी इसकी वन रहेगी तो हमें पता चल गया कि कोई तो एलिमेंट रिपीट हो रहा अब उसको क्या करेंगे बी को चॉप करेंगे जैसे बताया था बी को रिमूव कर देंगे बिल्कुल सी को भी रिमूव कर देंगे अब उसके बाद ए बचा अभी भी रिपीटिंग एलिमेंट हैं इस विंडो में अभी क्या अभी छोटी सी विंडो है मतलब अगर मैं विंडो कलर करूँ तो अभी अरे यार कलर करना था एक सेकेंड हाँ तो अभी ये है मेरी विंडो इस विंडो में भी अभी रिपीटिंग एलिमेंट है तो मेरे को इस वाले ए को भी हटाना पड़ेगा अब मेरी सिंगल विंडो बची है ये है मेरी सिंगल विंडो जो बची हुई है इसमें कोई रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है अब मेरा एल भी यहीं पे आर भी यहीं पे आगे बढ़ते रहो ठीक है ऐसी बी आ गया सी आ गया डी आ गया बी आ गया फिर से जैसे ए आया अब ये मेरी पूरी विंडो यहाँ पे अब जैसे फिर से ए आया अब फिर से वही इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ इसको नहीं सॉरी इसको हटाती काम हो जाएगा अब औरों को नहीं हटाना पड़ेगा और ये हमारी सिचुएशन है बट इसमें प्रॉब्लम देखो एक ये आते हैं बताता हूँ इमेजिन करो ये जो हटाने वाला सीन है ये यह ए यहाँ पे बी यहाँ पे और कहीं बहुत दूर जाके ए है यहाँ पे ठीक है अब ये वाला जो ए है इस ए को हटा के यहाँ पे रख दो जस्ट इसके नेक्स्ट है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी एन टू दी पावर समथिंग लेंथ है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारा जो लेफ्ट होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा चल के जाएगा और हर एक एलिमेंट को हटाता हुआ जाएगा तो एक टाइप से वही मतलब एन टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है टू एन में होगा टू एन में होगा उसकी ट्राइवसिंग वही होगी ना क्योंकि एक बार तो आप जा चुके हैं नॉर्मली राइट पॉइंटर को लेके अब सेकंड पॉइंटर में फिर जा रहे हो तुम हटाते हो तो उसके बकवास अप्रोच है अब आता है थर्ड अप्रोच में थर्ड अप्रोच क्यों इतनी सेक्सी देखो थर्ड अप्रोच में जो उससे ऑप्टिमाइजेशन ये है कि प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे जो भी प्रीवियस एलिमेंट हमें मिल रहा था उसे हम काट ही दे रहे थे मतलब मान लो यहाँ पे ए है मेरा मेरे को यहाँ पे मिल गया ए यहाँ पे रिपीटिंग मिल गया मेरे को ये दो रिपीटिंग मिल गया तो मैं कहाँ तक काटूंगा मैं इस ए तक काट दूंगा मतलब अगर मैं दिखाऊँ तो मैं ऐसे 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 कट करता चलूँगा और अब मैं यहाँ पर आ कर रुक रखा ठीक है ये समझ आ जाना चाहिए बट अब इस वाले अप्रोच में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें यहाँ पर ए मिला है ठीक है तो अब तुम सबको क्यों काटते हुए आ रहे हो अब तुम अपने लेफ्ट पॉइंटर को देखो इवेंचुअली ला तो तुम लेफ्ट पॉइंटर को यहीं पे रहे थे अगर मैं इस वाले में दिखाऊं तुम्हें तो जैसे ए बी सी डी ए था तो जब मैं इन सबको कट करता था तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर आगे 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 होता चला जाता था तो बेसिकली तुम कट करके क्यों ला रहे हो उस चीज़ को तुम उस चीज़ को डायरेक्ट ले आओ तो उसको डायरेक्ट लाने के लिए तो एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा काम किया वो वो एक्स्ट्रा काम है कि हमें इसका इंडेसिस पता हमें इसका इंडेक्स पता होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर आ गया पेयर आ गया वेक्टर आ गया कुछ भी किसी मैप में स्टोर करा लो मैप में फ्रिक्वेंसी मत स्टोर कराओ मैप में स्टोर करा लो उसकी क्या नाम है पेयर स्टोर वो करा लो कि कहाँ पे है ये ऑलरेडी जैसे आई पे है कुछ भी कर सकते हो और पेयर यूज़ कर लो समथिंग कुछ भी यूज़ कर लो तो उसका इंडेक्स पता होना चाहिए कि अच्छा ही एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है ताकि हमें जब नेक्स्ट टाइम चेंज करना पड़े तो वो एलिमेंट हमारा मतलब उसमें ना हो समझ रहे हो हमें पता रहे अच्छा मैं कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा हूँ मतलब कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा मेरे दिमाग में एक और थाट चल रहा है बताना भूल गया कि जो हमारा मैप होगा हमारा फ्रिक्वेंसी मैप नहीं होगा हमारा जो मैप होगा वो हमारा फ्रीकवेंसी मैप नहीं होगा हम अपने मैप के अंदर ना हर चीज़ को माइनस वन से फिल करा देंगे हर चीज़ को ठीक है तो अब हमें यही ये, ये चेक करना ही नहीं है कि वो चीज़ एक बार आई है वो चीज़ दो बार आई है हमने अपने मैप के अंदर माइनस वन से सब चीज़ फिल करा दी अब कोई भी चीज़ अगर माइनस वन नहीं है समझ रहे हो मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि तुम्हें पेयर स्टोर कराना है यहाँ पे पेयर स्टोर कराना है या फिर वेक्टर के अंदर कराओगे इन दोनों से बढ़िया है मतलब वेक्टर से मैप भी यूज़ कर सकते हो इन दोनों से बढ़िया मैप में सीधा सीधा इंडेक्स स्टोर करा लो इंडेक्स टो तो करा लो और हर जगह माइनस वन रखो मैप में तो तुम्हें पता रहेगा कि कोई भी चीज़ अगर मैप में चेंज हुई है माइनस वन से चेंज हुई है अब उसका इंडेक्स टेन हो ट्वेंटी हो टेन लाख हो कुछ भी हो अगर कोई चीज़ माइनस वन से चेंज हुई इसका मतलब प्रेजेंट तो पहले से है तो तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आगे पता चलेगा कि यह क्या प्रॉब्लम थी आई गेस मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ बट सही है यार ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन हो जाएगा वरना इससे बढ़िया सुमित सर या स्ट्राइवर की वीडियो देख लेना अगर इतना टाइम है ही हाँ तो अब वापस आते हैं अब इस अप्रोच में चेंजेस क्या है इस अप्रोच में चेंज ये है कि तुम्हें जब कोई एलिमेंट रिपीटिंग मिलेगा जैसे तुम्हें इस एका ही एलिमेंट रिपीटिंग मिला तो इन सब को कट करने की बजाय मैं एक केस इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम्हारा लेफ्ट अभी यहाँ पे था और तुम्हारा राइट right जस्ट यहाँ पे आया है तो ये पूरी विंडो हो गई तुम्हारी इसे कलर कर अब यार कलर भाई क्यों क्यों परेशान कर दो मेरे को मैं उससे पूरी कलर ये तुम्हारी पूरी विंडो हो गई है ठीक है अब इस विंडो के अंदर जैसे तुम्हें रिपीटिंग एलिमेंट ये वाला ए मिला इसको भी रिमूव करके इंटरनेट से लिख देता हूँ जैसे ही तुम्हें मिला कि यार ये वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो अब इन सब को ना कट मत करो इन सब को कट करने में टाइम वेस्ट मत करो इस एल को सीधा सीधा उठाओ और जी पे ला के रख दो दैट सेट दैट सेट और कुछ नहीं करना तुम्हें ए का इंडेक्स पता होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी स्टोर कराते आ रहे हो जीरो वन टू थ्री फोर तो हमने अपने मैप में स्टोर कराया हुआ कि ए फोर पे पड़ा हुआ है तो ए पे जाओ इसका इंडेक्स उठाओ और अपने लेफ्ट को उसका इंडेक्स ए का इंडेक्स प्लस वन कर दो दैट सेट अब इससे देखो कितना टाइम बचा इससे ये जो सारी आपको करनी थी आ, सब ट्रैक करना था ये टाइम बचा और आपका एल डायरेक्टली उठ के यहाँ पे आ गया आपका एल यहाँ पे आ गया अभी आ देखो ये आपकी न्यू विंडो स्टार्ट हो गई अब मैं इस वाली को इरेज भी कर सकता हूँ अरे फिर से लिखनी पड़ेगी जो भी थी सी डी ई बी जो भी थी अब यहाँ से फिर से मेरी न्यू विंडो स्टार्ट हो गई तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का फ़ायदा समझाता हूँ एल आ गया यहाँ पर मेरा आर आ गया ये चीज़ ऑलरेडी कंप्यूट हमने कर ली थी हम अपनी लेंथ हर टाइम रखते हुए चली रहे हैं कि अच्छा ये हमारी लेंथ है हमारी हर विंडो में जैसे अभी मेरी क्या विंडो है अभी मेरी जी एच और ए की विंडो है एल और आर की विंडो तो अभी भी मेरी जो लेंथ होगी ना वो आर माइनस एल होगी और मैं रख के हमेशा चल ही रहा हूँ कि मेरी आर की वैल्यू सपोज टेन है और एल की वैल्यू मान लीजिए एट है तो मैं भी लग के चल रहा हूँ कि मेरे पे टू है एट यहाँ पे सेवन आ जाएगा फॉर एक्जाम्पल कि मेरी जो अभी करंट एलिमेंट है सबस्ट्रिंग में वो थ्री है तो यहाँ से हमने मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकाल ली थी अब इस ए जब तक इस ए के आप पार नहीं जाओगे आप एक बड़ी सबस्ट्रिंग बना ही नहीं सकते ये चीज़ अंडरस्टैंड करो क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिपीटिंग एलिमेंट पड़ा हुआ है तो आपको ये ए तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा इसका लेफ़्ट सारा पोर्शन कट करना पड़ेगा और इस ए तक की इस ए को इंक्लूड करा के हमने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग बना ली है वो स्ट्रिंग क्या थी वो स्ट्रिंग थी आपकी ये वाली स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी

इस वाली की इस वाली पूरी की मेरे को मैक्स सब लेंथ मिल गई मैक्स सब स्ट्रिंग की लेंथ विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गई सेवन ठीक है अब मेरी जो न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही मेरी न्यू स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम जी एंड इट विल कॉन्टिन्यू टिल आई गेट अ रिपीटिंग एलिमेंट अब वो रिपीटिंग एलिमेंट कहाँ मिलेगा वो देखते हैं जे पे नहीं मिल रहा के पे भी नहीं मिल रहा एल पे नहीं मिल रहा एम पे नहीं मिल रहा आई पे, पे मिल गया अब यहाँ रुक जाओ अब यहाँ पे होंगे कॉम्पिटिशन तगड़े वाले तो मेरा आर बेसिकली यहाँ पे पहुँच चुका है एल मेरा अभी भी यहीं पर तो ये मेरी करंट स्ट्रिंग है जो सामने दिख रही है अभी देखो अब अगर मैं प्रीवियस अप्रोच यूज़ करता मेरे को सारे कट 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 करके यहाँ तक आना पड़ता बट नहीं बट नहीं मेरे को पता है कि मेरे को आई मिला है रिपीटिंग अब मैं उस आई का इंडेक्स ढूंढूंगा आई का प्रीवियस अकरेंस ढूंढूंगा कहाँ पे अपने मैप के अंदर मेरा मैप मेरे को बता देगा कि मेरा आई सपोज इसका इंडेक्स टेन होता कि मेरा आई तुम्हारा एक आई है जो टेन पे पड़ा हुआ इसका मतलब इसका मतलब कि मेरे को अपने लेफ्ट को उठाना है जो मैंने पहले बताया था और मेरे को इंडेक्स प्लस वन कर देना मतलब मेरे को अपने लेफ्ट को उठा के आई से बस आगे लेके आना दैट्स एट मैं एल को उठाऊंगा और मैं एल को उठा के जे पे ले आऊँगा मेरा एलोट के आ जाएगा यहाँ पे एलूट के आ जाएगा यहाँ पे और ये ऑलरेडी ऑलरेडी जितनी इसकी लेंथ थी मान लो इसके थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन और टेन इसकी लेंथ मैंने ऑलरेडी स्टोर कर लिया और मैं कंपेयर करता चल रहा हूँ इसके साथ हैंड टू हैंड जो मेरी प्रीवियस लेंथ थी ये तो आती है यार लेंथ को मैक्स से कंपेयर अपना करते चलो कि अभी मैक्सिमम मिल गई है टेन मिल गया तो ठीक है उसको स्टोर करा लिया अब यहाँ पे आ गया मेरी न्यू स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है अभी ऐसे आगे जाएगी यहाँ पे एंड हो जाएगी इसकी लेंथ देख लेंगे इसकी लेंथ टेन से कम आएगी और मेरी न्यू स्ट्रिंग ये हो जाएगी अब एक चीज़ का ध्यान रखना अपने को वो इस चीज़ में हमें पता चलेगी किस चीज़ का ध्यान रखना जैसे ये वाली स्ट्रिंग है मैं एक बार इस पर और ट्रैवलिंग करके दिखा देता हूँ ए बी सी ए ए बी सी डी बी ए अभी पता चलेगा किस बारे में बात कर रहा था तो इस पर अगर मैं थर्ड की करूं। के हिसाब से ट्रैवल्स करूँ अपना मार्कर लेके तो अभी हमारी स्ट्रिंग ये चल रही है ये चल रही है ये चल रही है अब आगे रिपीटिंग स्ट्रिंग अच्छा रिपीटिंग स्ट्रिंग आ गई तो ठीक है जितनी इसकी पहले लेंथ थी उसकी लेंथ लिख लो मैं इसकी यहाँ पर लेंथ लिख लेता हूँ उसकी लेंथ हो गई अपना सेवन थ्री लेंथ हो गई इसकी अब थ्री लेंथ के बाद एक सेकेंड हाँ थ्री लेंथ के बाद यहाँ पे है ठीक है तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे को ए का इंडेक्स बता देगा कि ए आपका वन पे पड़ा हुआ है तो आप अपने एल को मेरा एल यहाँ पे था ना आप अपने एल को आगे ले आओ तो मेरा एल आ गया अभी मेरी न्यू स्ट्रिंग है अब मैं अपनी न्यू स्ट्रिंग किसी और कलर से स्टार्ट कर लेता हूँ अब मेरी न्यू स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है बी सी ए अभी फिर से फंस गया यार फिर रिपीटिंग एलिमेंट आ गया फिर से आ गया तो अब मैं फिर से क्या करूँगा मेरा एल यहाँ पे था अपने मैं एल को उठा के इसके भी आगे ले आऊँगा इसके आगे ले आऊँगा का मतलब ये है कि यहाँ यहाँ पे मेरा एल होगा और यहीं पे मेरा आर होगा क्यों क्योंकि ये दो स्ट्रिंग ऐसी है आ, यहाँ पे सपोज करो एक स्ट्रिंग थी ठीक है अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया और मेरे ए को बता रहा है कि तुम्हारा ये जस्ट तुम्हारे पीछे है तो ऑब्वियसली बात है अपने नेक्स्ट पे लेके आऊँगा ना इसको मैं और मैं नेक्स्ट खुद ही हूँ तो एल और आर पे खड़े हुए अब हमारी न्यू स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी अब एक चीज़ देखो मेरा एल यहाँ पे आर यहाँ पे अब मेरे पास आया जो नेक्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट आया बी ठीक है अगर हम अपने मैप में चेक करेंगे तो बी हमारे पास ऑलरेडी पहले आया हुआ है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बी आया हुआ तो टेक्निकली मेरे को क्या करना चाहिए मेरे को बी को उठा के लाना चाहिए बट एक चीज़ देखो बी तो हमारी विंडो में है ही नहीं हमें फ़र्क ही क्या पड़ता बी आया है या नहीं आया मेरी एल ओर आर बस यहीं पर ख़त्म हो रही है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पे एक ए बी सी डी करके ऐसा वो है ठीक है और यहाँ पे सपोज एक स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग के अंदर बी पहले आ रखा है ठीक है बट मेरा लेफ्ट अभी यहाँ पे है और मेरा राइट अभी सपोज करो बी भी नहीं मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स लेता हूँ ठीक है और मेरा राइट यहाँ पे ठीक है अब समझ लो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है मेरे पास एक्स की ठीक है मेरा राइट टर्न होकर यहाँ गया यहाँ पे एक्स है और मैंने देखा कि एक्स तो मेरे पास मैप में कहीं पर पड़ा हुआ है और इसका इंडेक्स कितना है इसका इंडेक्स सपोज टेन है बार बार टेक्स टेन क्यों ले रहा हूँ आई डोंट नो ठीक है टेन पड़ा हुआ इसका इंडेक्स अब मेरे को क्या वरी करना चाहिए इसके बारे में क्यों करना चाहिए करना ही नहीं चाहिए जब मेरी न्यू स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है मैं अपने लेफ़्ट को उठा के ले आया हूँ और अगर मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहता हूँ तो मैं सिंपल निकाल लूँगा आर माइनस एल प्लस वन करके तो सपोज़ आर हमारा ट्वेंटी है एल हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल फिफ्टीन है सपोज ठीक है तो मैं निकाल लूँगा ये ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन और प्लस वन करके तो उसकी लेंथ आ जाएगी अपना सिक्स लेंथ आ जाएगी इसकी क्या गंदी बात करी है मैंने सिक्स कैसे आ जाएगी फाइव है ना फाइव आ जाएगी प्लस वन का कुछ है सीन अभी देख लेंगे उसका एल और आर का ठीक है आर यहाँ पे आ चुका है जस्ट इमेजिन तो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन होता है वैसे ट्वेंटी नहीं होता ये नाइनटीन होता तो नाइनटीन माइनस फिफ्टीन प्लस वन करके फोर प्लस वन फाइव आ चुका है तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर हमारी लेफ्ट से छोटी वैल्यू आई है मतलब जो हम इंडेक्स पे हैं मान लो हमें देखो चेक तो हर बार करना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्स रिपीट हो रहा था बट एक्स कहाँ रिपीट हो रहा था हमारी स्ट्रिंग के बाहर रिपीट हो रहा था मतलब उसको ऐसे विजुलाइज करो तुम एक विंडो लेके चल रहे हो तुम एक विंडो लेके चल रहे हो और इस विंडो के अंदर इस विंडो के अंदर तुम्हारा कोई एलिमेंट यहाँ से इंसर्ट हो रहा है बट उससे पहले एक चेक है उससे पहले एक चेक है और वो चेक क्या है आपको चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट कभी मैप में था क्या वो कभी एलिमेंट मैप में था और हम उसे चेक कैसे कर रहे हैं मैंने पहले भी बताया था उसको हम सिर्फ एक चीज़ से चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है नॉट इक्वल्स टू माइनस वन क्यों क्योंकि हमने अपने मैप को इनिशलाइज़ किया था सारी वैल्यूज को हमने माइनस वन से इनिशलाइज़ करा था तो जैसे ही कभी एक्स मेरा कभी मेरा एक्स प्रीवियस स्ट्रीम में आया होगा कभी मेरा एक्स यहाँ पे आया होगा तो मैंने पक्की बात है इसका जो भी इंडेक्स रहा होगा सपोज़ इसका फाइव इंडेक्स है मैंने उसको चेंज करके यहाँ पे उसका इंडेक्स फाइव कर दिया होगा तो अब जब वो एक्स यहाँ से एंटर करेगा तो मैं अपने मैप के पास जाऊँगा पूछूंगा कि मैप क्या एक्स पहले आया है मेरे से वो बोलेगा हाँ आया है लेकिन 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 उससे पहले मैं एक सिचुएशन चेक उसके बाद उसके बाद एक सिचुएशन चेक करूँगा कि ठीक है आया है लेकिन क्या वो मेरी सब स्ट्रींग में अभी भी प्रेजेंट है अब वो कैसे चेक करूँगा वैसे चेक करूँगा क्या मेरी लेफ्ट और राइट जो है लेफ्ट बेसिकली सबस्टिंग में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है फिर से विजुलाइज करवाता हूँ कोई चीज़ यहाँ पे है ठीक है मेरी वॉल यहाँ से स्टार्ट होती है मेरे को चेक करना है कि वो मेरे अंदर है या नहीं है वो मेरे अंदर है या नहीं है तो मैं क्या चेक करूँगा क्या एक्स का जो इंडेक्स है वो मेरे लेफ़्ट से ग्रेटर है लेफ्ट से ग्रेटर का मतलब लेफ्ट के राइट में आ गया ना ये मेरा लेफ्ट है अगर कोई चीज़ लेफ्ट से बड़ी है तो वो राइट में आ जाएगी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है तो मेरे को सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या जो मेरा एक्स है वो मेरे लेफ़्ट से ग्रेटर है अब यही चीज़ मैंने वीडियो ड्राइवर भाई के कोड में थी ये देखो सेम चीज़ मैं इसे कोड में समझा देता हूँ C++ में पहली चीज़ जो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो एलिमेंट है वो पहले आ चुका है पहले आ चुका है कि मतलब उसकी इंडेक्स माइनस वन तो नहीं रहा होगा क्या मेरा इंडेक्स पहले आ चुका है वो बोलेगा हाँ पहले आ चुका है आपका एक्स पहले आ चुका है अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे लेफ्ट की जो वैल्यू है लेफ्ट की वैल्यू जो मैं इंडेक्स डालने जा रहा हूँ अभी इसका मतलब क्या है एक्स है इसका मतलब ये मेरा राइट right वाला एक्स है इसको मैं लिख देता हूँ उसको कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे एम एंड मेकिंग इट टू दी राइट राइट ऑफ स्ट्रिंग का राइट बेसिकली स्ट्रिंग का राइट right, स्ट्रिंग का राइट right. तो ये इसका इंडेक्स दे देगा इसका इंडेक्स दे देगा तो जो मेरे राइट right में इंडेक्स है उसको तो प्लस वन मैंने कर लिया अपना इंडेक्स लेके आ गया बट मेरे को ये भी चेक करना है कि क्या मेरा वो लेफ्ट वाले इंडेक्स से ग्रेटर है एक्चुअली में एक्चुअली में क्या वो मेरे स्ट्रिंग में लाई कर रहा है अगर वो लेफ़्ट वाले इंडेक्स से मेरा करंट वाले इंडेक्स ग्रेटर है तभी मैं उसको कंसीडर करूंगा मतलब इस चीज़ को समझो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मेरा जो एक्स है मेरी एक्स की अभी वैल्यू टेन है और मेरा जो प्रीवियस एक्स आया था उसकी वैल्यू वन थी और मेरे लेफ़्ट की वैल्यू यहाँ पे फ़ाइव है तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा एलिमेंट है मेरा एलिमेंट ग्रेटर है या प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटर था अगर मेरा एलिमेंट ग्रेटर है अगर मेरा एलिमेंट ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा तो मैं उसका मैक्स निकाल लूँगा उसका मैक्स क्यों निकालना है मेरे को क्योंकि मेरे को यार उसको राइट में भी तो रखना है ना अपने एलिमेंट पे मेरे को अपने राइट को भी तो प्लेस करना है जैसे मेरा राइट था ये वाला मेरा राइट था मैंने इस राइट को उठा के इस एक्स पे किया है तो मेरे को प्लेस भी तो करना है यहाँ पे इसलिए मैंने उसको x को वहाँ पर रख दिया अब एक ये सिंपल सी चीज़ है कि कोई एलिमेंट अगर इस कंडीशन में नहीं जाता मतलब कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट बार इनकाउंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे आप उसका इंडेक्स उठाओगे उसके सामने मैप कर दोगे ये मैपिंग हो रही है वैक्टर में यूज़ करके ठीक है एंड उसके बाद लेंथ में क्या करना है लेंथ तो अपनी वही जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी पिंक पिंक करके ये वाली लेंथ में क्या करना है जो भी सबस्टिंग बना रहे उसकी लेंथ उसकी लेंथ उसकी लेंथ चेक करवाते रहनी आपस में चेक करवाते रहो कि जो प्रीवियस लेंथ थी राइट माइनस लेफ्ट मतलब विंडो तुम्हारी जो विंडो की लेंथ है और जो तुम्हारी प्रीवियस लेंथ थी अगर उससे बड़ी है तो ठीक है और राइट प्लस प्लस ये तो नॉर्मली आगे जा ही रहा है राइट आगे जा ही रहा है फिर रिटर्न लेंथ करवा दो सो थैंक यू दैट वॉज फ्रॉम माई साइड आई गेस ये समझ आ गई होगी